आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी चैप्टर सेकेंड में। आज हम बात करेंगे कि मेमोरेंडम्स ऑफ एसोसिएशन मेंबर मेमोरेंडम्स ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के जो ऑब्जेक्ट होते हैं और कंपनी के जो राइट्स होते हैं उनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है, क्योंकि कंपनी का जो कार्यक्षेत्र होता है वो निश्चित होता है और कंपनी को उस कार्यक्षेत्र के सीमाओं में रहकर काम करना पड़ता है। तो अगर कोई कंपनी उस सीमाओं से बाहर काम करती है तो उस काम को इलीगल माना जाता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब होता है जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्ट और राइट्स को लिखा जाता है। आगे बात आती है कि एक्ट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें कंपनी के जो राइट्स हैं और ऑब्जेक्ट हैं उनको लिखा जाएगा। यहाँ पर कंपनी के जो मेंबर हैं उनकी लाइबिलिटीज क्या होगी और यहाँ पर कंपनी के मेंबरों का बाहरी लोगों के साथ कैसा संबंध संपर्क रहेगा और ये कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं क्रेडिटर्स हैं या जो जो कंपनी से जुड़े हुए लोगों को कंपनी के बारे में जानकारी देना और उनको उनको इसके विषय में बताना, यहाँ पर इसको मेमोरेंडम ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ मेमोरेंडम बुक्स में रखा जाता है। अब बात करते हैं कंटेंट्स। कंटेंट्स में पहला है मेमोरेंडम बुक्स की कंटेंट में पहला क्या आता है, नेम क्लॉज। यहाँ पर जिस कंपनी का आप एसोसिएशन में शामिल कर रहे हो उसका नाम क्या होगा, तो सबसे पहले कंपनी का नाम डिसाइड करना होगा और कंपनी का नाम डिसाइड करते समय ये जवाब रखना होगा कि एक इस कंपनी का नाम किसी अन्य कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। सेकंड है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब ये कंपनी किस स्टेट में सिचुएट है या किस स्टेट में इसको स्थापित किया जा रहा है और उसका ऑफिस किस जगह पर है, और कल कोई स्थिति निर्मित होती है तो उसके लिए कौन सा नया क्षेत्र रहेगा। तीसरा है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब होता है यहाँ पर कंपनी को बनाया गया उसका ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट स्पष्ट होना चाहिए और इसमें जो भी मेंबर हैं उनको ये पता होना चाहिए कि इस ऑब्जेक्ट के लिए हम पैसा या फिर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगला होता है लायबिलिटीज क्लॉज। यहाँ पर जो कंपनी के मेंबर हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे कंपनी में हमारा इसमें क्या लायबिलिटीज रहेंगी। जो कंपनी में जो मेंबर होते हैं उनको लायबिलिटीज को इसके अंतर्गत रखा जाता है। अगला है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में ये रखा जाता है कि फर्म की अथराइज कैपिटल कितनी है, उस अथराइज कैपिटल में से कितनी कैपिटल को इशू किया जाएगा, कितने में किया जाएगा, किस कंडीशन में हम मिनिमम कितने शेयर इशू कर सकते हैं, किस कंडीशन में हम शेयर को परचेज कर सकते हैं, इन सारी बातों को हम कैपिटल क्लॉज में शामिल करते हैं। तो ये हो गया आपके कंटेंट्स। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब ये भी कंपनी का एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो ये कंपनी के इंटरनली वर्क करता है, एसोसिएशन होता है इंटरनली वर्क करता है। जैसे ऐसे प्रबंधन हमने प्रबंध करना, नियंत्रण करना, नियमन करना, तो इसको मैनेज करने कंपनी को मैनेज करने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस को इसमें शामिल किया जाता है, तो उन चीजों को रखा जाता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में।